बिटसेट 2022 का जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट है वो काफी ज्यादा पास है और यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। बट आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी इस टाइम पे यार डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, तो ये वीडियो हर एक बिटसेट 2022 एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम कुछ स्टूडेंट्स की सिचुएशन ले तो हो सकता है आपके दोनों ही अटेम्प्ट उतने बढ़िया ना गए हो, या फिर अभी जो है कुछ लोगों के सेकेंड अटेम्प्ट के पेपर रह गए हैं लेकिन उन्हें अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से पता है कि शायद वो उतना बेहतर नहीं कर पाए। लेकिन आपको इस टाइम पे भी अपना बेस्ट दे के आना है, जितना भी आप बढ़िया स्कोर ला पाए। और हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी से ही जो है ड्रॉप का प्लान कर लिया हो या फिर जो है टीयर थ्री का कोई कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहे हो, लेकिन यार ये सब चीजें तो आप अगले 10 से 12 दिन बाद भी कर सकते हैं, तो फिर इस टाइम पे आप हार क्यों मान रहे हैं? यहाँ पे आपको जो है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है। और बिट्स पिलानी के यहाँ पे यार मुझे आपको एडवांटेजेस गिनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका एलुमनाई नेटवर्क काफी ज्यादा बढ़िया है, साथ ही साथ आपकी कॉलेज लाइफ जो है वो काफी बढ़िया रहेगी, आपके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो ये सब चीजें तो यार मतलब ऐसे अगर हम बेनिफिट्स पे आए तो काफी सारे जो है बेनिफिट्स आपको गिनने के लिए हो जाएंगे। एक कॉन जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को दिखता है वो ये चीज है कि यहाँ पे आपकी फीस जो है वो बिट्स पिलानी की हाई है, तो उस चीज को भी जो है आप कम कर सकते हैं किसके थ्रू, स्कॉलरशिप्स के थ्रू। साथ ही साथ जो बिट्स पिलानी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इजीली जो है पेड इंटर्नशिप्स मिल जाती है, तो वो उसके थ्रू भी जो है अपनी फीस को यहाँ पे भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है एजुकेशनल लोन भी इजीली मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो है बिट्स पिलानी वो टीयर वन कॉलेजेस में आता है, तो जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे तो इसको भी जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहता है बिट्स पिलानी का। तो अब यहाँ पे जो है आपको ये सब बिट्स पिलानी के इतने सारे एडवांटेजेस समझ में आ रहे हैं, तो आपको इसके लिए पूरी तरीके से ट्राई मानना चाहिए। लेकिन अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आ रहा होगा कि यार मैं जेई मेंस में उतना बढ़िया नहीं कर पाया, तो मैं बिटसेट में उतना बढ़िया कैसे कर पाऊंगा? लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि बिट्स पिलानी और जेई मतलब बिटसेट और जेई मेंस दोनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट एग्जाम्स है, ठीक है? और क्या चीजें हैं जो कि बिटसेट को जो है डिफरेंट बनाती है जेई मेंस से, चलिए हम उस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो बिटसेट जो आपकी एग्जाम होती है उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन सारे ही कॉन्सेप्ट्स की आपको जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जबकि जेई मेंस में क्या होता है कि आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी जो है पूछ सकते हैं। तो अगर आप जेई मेंस के लिए जो है 70 to 80% सिलेबस भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करते तो आप उसमें बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। बट बिटसेट के लिए ये ज्यादा जो है मायने रखता है कि आप जो पूरा सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से देख के जाए, जो टॉपिक आपको उतने अच्छे से नहीं भी बनता हो एटलीस्ट उसके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली जो है पूछ लिया जाता है। देन सेकंड पॉइंट पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे जो है स्पीड बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी बिटसेट एग्जाम में, तो आपको ये ट्राई करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप बिटसेट में अटेम्प्ट कर पाए, ताकि जो है आपका एक बढ़िया स्कोर आ पाए, ठीक है? ये केस जो है जेई मेंस में नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है जेई मेंस में कभी कभी काफी डिफिकल्ट शिफ्ट आ जाती है जिसके अंदर अगर स्टूडेंट्स ने कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए तो उनके बहुत बढ़िया परसेंटाइल आ जाते हैं। लेकिन बिटसेट में आप ये मान के चलिए कि यार आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने ही है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अच्छी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है, तो कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, तो ओवरऑल जो है आपका स्कोर अगर बढ़िया होना है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आने। अब एक और चीज ये है कि यहाँ पे बिटसेट में आपका एलआर एंड इंग्लिश भी जो है एक अलग सेक्शंस हो जाते हैं, जो कि आपके जेई मेंस में नहीं देखने को मिलते, और इनका जो वेटेज है वो भी काफी ज्यादा है, मतलब सेम वेटेज है जो कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है जो कि है 90 मार्क्स का, तो यहाँ पे उन सेक्शंस को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके जो हेल्प के लिए जो है हमने काफी सारे बिटसेट के पैकेजेस एंड कोर्सेज को लॉन्च किया था, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है उन्हें नहीं देखा हो, तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो है मॉक टेस्ट है अवेलेबल सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 10 और सेट ऑफ 20 में, तो मोस्टली जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम पे सेट ऑफ 10 ही ले रहे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है, तो आप जितने नंबर ऑफ पेपर्स लगाएंगे उतना आपके लिए बेटर है। देन यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया बैच है जो कि आपके एलआर एंड इंग्लिश प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है, तो आप इसे जरूर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है काफी सारे कोर्सेस और पैकेजेस हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करके देख सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे आपको लास्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से जो है रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास हैं उनको अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लीजिए। मैं पहले ही आपको काफी वीडियोस में एग्जांपल देख चुका हूँ कि किस तरीके से आपको लास्ट मोमेंट के लिए शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यही जो है आपके लास्ट टाइम पे हेल्पफुल रहेंगे। अब आप जो है डिटेल वीडियोस नहीं देख सकते,
साथ ही साथ जो है आप डिटेल्ड ऐसे कोई बुक के थ्रू नहीं चैप्टर्स को पढ़ सकते, तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए ये ध्यान रखिए कि जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गई, आपके रिएजेंट टेस्ट हो गए, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन आपके इनऑर्गेनिक के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई, आपके एक्सेप्शन हो गए, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, उनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। देन ये भी बहुत जरूरी है कि आप कोई भी चैप्टर जो है छोड़ के नहीं जाइए। मान लीजिए कि वो चैप्टर आपका वीक है तो उसके कम से कम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास को एक बार देख लीजिए, उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन समझ लीजिए सॉल्व एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि पेपर में जो है आपको इजी ही क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर कुछ ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल गए, तो आपको यार क्यों फालतू में जो है आप मार्क्स गंवाना चाहते हैं। तो ये आपको ट्राई करना है कि आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से कवर करके जाए। और ये भी चीज जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे क्या हुआ था, काफी सारी शिफ्ट में जो है आपका LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे, और एक दो नहीं, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन भी आए थे कुछ शिफ्ट में। तो ऐसे छोटे टॉपिक से भी अगर इतने क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये सरप्राइज फैक्टर जो है हमें सेकेंड अटेम्प्ट में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए कोई भी पोर्शन को ना छोड़े तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे जो है हमने स्पीड इंप्रूवमेंट की बात करी थी, तो इसके लिए आपके लिए जो है बेस्ट तरीका यही रहेगा कि लास्ट टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, ताकि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को जज कर पाए और उसके बेसिस पे उसे लगातार जो है मॉक टेस्ट देके इंप्रूव कर पाए। अब यहाँ पे आपके पास 7 दिन के आसपास का टाइम रह गया जिनका भी 3rd या 4th को जो है पेपर है, तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट तो मिनिमम आपको लगाने ही है। मान लीजिए अभी आपका जेईई मेंस का पेपर रह गया है तो वो तो ठीक है अपने पेस पे होगा ही पेपर, लेकिन कम से कम आप मॉक टेस्ट देना मत छोड़िए बिट सेट के लिए, ठीक है, तो आपको देना है ध्यान से। साथ ही साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिंपली ये नहीं कि हम पेपर पे पेपर अटेम्प्ट करके जा रहे हैं और आपका एक बाउंडेड रेंज के अंदर ही मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या हुआ। इसलिए एक मॉक टेस्ट में जो गलतियां कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, ताकि हम सेकेंड मॉक टेस्ट के टाइम पे उसे बेटर कर पाए, ये चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको मॉक टेस्ट देते हुए ध्यान रखना चाहिए। अब आज से जैसा कि आप जानते हैं कि स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो है अभी तक अपने स्लॉट को बुक कर लिया होगा, तो आइदर आपने 9 से 12 के बीच वाला स्लॉट बुक किया होगा या फिर 2 से 5। तो अब जो मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करने वाले हो ना, वो इन दोनों ही स्लॉट्स में देना है आपको, मतलब जो भी आपने यहाँ पे बुक किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 9 से 12 को बुक किया है तो 9 से 12 में ही आदत डाल लो, ताकि आपके दिमाग को एक आदत लग जाए कि भाई इस टाइम पे जो है मुझे टेस्ट के टाइम पे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वर्क करना है, आपका ब्रेन जो है इसी तरीके से ट्रेन हो जाएगा, या फिर 2 से 5 के लिए जो है ये चीज। साथ ही साथ बीच में जो है सीट बिल्कुल भी मत छोड़िए जब भी आप टेस्ट देने बैठ रहे हो। ये नहीं कि घर का माहौल है तो चलो बीच में उठ के चले गए, क्या ही हो जाएगा, फिर पेपर दे देंगे, क्योंकि ये मार्क्स तो कोई नहीं देखने वाला। यही मार्क्स जो है आपके मेन पेपर में भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, तो इसको प्रॉपर जो है एज अ एग्जाम ही देना है आपको। छोटा मोटा जो है वॉशरूम का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको जरूरी है तो। साथ ही साथ जो है वाटर बॉटल भी साथ में रखिए, ठीक है, बीच बीच में जो है आप सिप्स ले सकते हैं। तो आपको यही ट्राई करना है कि जैसा एग्जाम में एनवायरमेंट रहता है ना वैसे ही आप बना पाए, और लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ही दीजिए, ये नहीं कि मोबाइल पे जो है मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या रहेगा, आपको सेम एग्जाम का जो है आप एनवायरमेंट खुद के लिए क्रिएट कर पाएंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हो सकते हैं एग्जाम के, वो आपके मॉक टेस्ट से वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पेपर्स हमने देखे थे पिछले शिफ्ट के कि कुछ कुछ अनबैलेंस्ड भी आए थे, तो यहाँ पे जो है आप एक्चुअल मॉक टेस्ट में जो स्कोर कर रहे हो उससे बेटर आप जो है उसमें स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है कि यार मॉक टेस्ट में कभी स्कोर लो आ गया तो नहीं हो पाएगा मेरा बिट सेट में, ठीक है, आप मेन एग्जाम में बेटर कर सकते हो। या फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करना है कि मॉक टेस्ट में मैंने इतना हाई स्कोर लिया है तो डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट में भी बहुत ही बढ़िया आने वाला है। एकदम न्यूट्रल रहो, जैसा कि आप बढ़िया है, बस आपको इंप्रूवमेंट लगातार हर टेस्ट पे जो है करते जाना है। अब हम जो है अगले पॉइंट की बात करें, LR एंड इंग्लिश, तो ये दो सेक्शंस है जो कि बिट सेट और जेईई मेंस में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे LR एंड इंग्लिश के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी टॉपिक्स जो है प्रोशन में दिए हुए हैं उनको कम से कम अच्छे से क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू। वैसे हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है, तो जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से भी आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो हमारा LR एंड इंग्लिश का कोर्स है वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद आया और बहुत ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल भी रहा फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, तो आप उसको भी जो है डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स हो जाएगा जहां पे पूरे तरीके से चीजों को अच्छे से अरेंज करके रखा है और आप जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अब ये एक आखिरी बार है कि यार आपको बिट सेट 2022 सेकेंड अटेम्प्ट के लिए खुद को एक बार फिर से जो है खड़ा करना होगा। जो पुराने रिजल्ट्स हुए फर्स्ट अटेम्प्ट अगर उतना अच्छा नहीं गया बिट सेट का उसको भूल जाइए, जेईई मेंस के दोनों अटेम्प्ट अगर उतने बढ़िया नहीं गए उसको भूल जाइए,
हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में आप अपना बेस्ट यहाँ पे जो है प्रूव कर पाए खुद को, ठीक है। तो इस एग्जाम को जो है एज अ एकदम न्यू एग्जाम ट्रीट करिए और इसमें जो है आपको बढ़िया करके आना है। अगर आप ये चीज को जो है मेरे साथ मानते हैं तो अपनी डिजायर्ड ब्रांच और कैंपस को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है आपको भी एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप जिस ब्रांच को एम कर रहे हैं आप उसको पाने के लिए पूरी जो है ताकत लगा देंगे। बाकी यार बिट्स पिलानी का कैंपस आपके लिए वेट कर रहा है, तो इसके लिए पूरा ट्राई मानना है आपको। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।